कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण एवं नियंत्रण हेतु नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नवनिर्मित सदन कार्यालय भवन में समस्त कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बैठक आहूत की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत निर्देश दिया गया कि मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए एवं स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटाइजेशन मेडिकल किट का वितरण किया जाए तथा मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से प्रतिदिन सैनिटाइजेशन गार्बेज मुक्त कराने की कार्रवाई, सफाई के लिए कर्मचारी, वाहनों की संख्या आदि प्रतिदिन की रिपोर्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा प्रत्येक वार्ड में कितने घर गए और निरीक्षण में कितने घरों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले जिन्हें लक्षण के आधार पर पहचानना होगा तथा उन्हें मेडिकल किट वितरित करना आदि कार्यों को कराने का निर्देश दिया गया। मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से लोगों को मेडिकल किट में उपलब्ध दवाओं को किस प्रकार प्रयोग किया जाए की जानकारी दी जाएगी। ज्यादा परेशानी होने की दशा में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने और कोरोना की जांच कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य शहर से आता है तो जानकारी की जाए तथा उसमें कोई लक्षण दिखे तो उसकी भी कोरोना जांच कराई जाए एवं कम से कम एक सप्ताह तक बाहरी व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए तथा सुनिश्चित किया जाए सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय डोज लग गया है कि नहीं, और यदि दोनों डोज लगा हो तो उन्हें बूस्टर डोज लगवाने की जिम्मेदारी सुपरवाइजरों को दी गई है तथा कर्मचारियों को प्रथम द्वितीय व बूस्टर डोज रविवार तक लगवाने का निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त आरवी सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, समस्त जोनल अधिकारी, जोनल सैनिटरी अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव एवं 70 वार्डों के समस्त सुपरवाइजर मेट इत्यादि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, नवीन हॉल में मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आज सब कुछ नवीन है और जो बीता हुआ काम बीता हुआ दृष्टिकोण से उपलब्धियों से भरा हुआ आवाज ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर हैं, इंस्पेक्टर हैं, नोडल अफसर हैं, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, कभी आपको जब अपन सचिव जो कि हमारे विभाग के नगर विकास विभाग के मुखिया हैं, आप उनकी कभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करा करिए, तब आपको इस बात का गर्व महसूस होगा कि हम नगर निगम गोरखपुर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। संदीप जी क्यों जी और उन्होंने पूरे प्रदेश के सामने गोरखपुर नगर निगम का उदाहरण रखा। हमारे साथ मीटिंग में अपर साहब जी थे, उप नगर आयुक्त साहब थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय थे, मौजूद थे, सबके सामने इनकी चलती चलती उसमें वो बराबर बताते हैं कि पूरा प्रदेश कैसे गोरखपुर नगर निगम के द्वारा किए गए कार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करें और नई उपलब्धियों पर फोकस करें। कुछ कर्मचारी हमारे काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी संख्या हम लोग पर डे अपने मैट्रिक सेल से अपने जो हम अपना अपना सेंटर बनाया गया वहाँ से सुपरवाइजरों के माध्यम से रिपोर्ट लेते हैं, उसी के माध्यम से हम रिपोर्ट रिसीव करते हैं। तो पहली रिपोर्ट ये जाती है। दूसरा उसमें पॉइंट है कि गार्बेज मुक्त कराए गए स्थल की संख्या, तो सर के निर्देशन में माननीय प्रधानमंत्री जब आए हुए थे तो उसने आप बहुत अच्छा काम किए थे कि गार्बेज का जहाँ पे दम थे जो हमारे हॉट स्पॉट थे वहाँ पे आप लोग पहले फोटो भेजते थे उसको साफ कराते हुए वहाँ पे मारक स्थान और चूना की डस्टिंग कराते हुए आप फोटो भेजते थे, तो कृपया इसको मतलब उसको तत्काल शुरू कर दीजिए। हमारे सफाई इंस्पेक्टर से भी इस बारे में बात होती रहती है, रिपोर्ट भेजते रहते हैं
उनके माध्यम से हम गाड़ी बुक कराएंगे और लोगों की संख्या का रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं। जो बैठक थी जो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मोहल्ला निगरानी समिति के जो सचिव होते हैं सभी सुपरवाइजर नगर निगम के उनकी बैठक बुलाई गई थी। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे 70 वार्ड हैं उन प्रत्येक वार्ड में हम लोगों ने इस संक्रमण की दर को रोकने के लिए संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए 70 नोडल अधिकारी लगाए हैं उनको भी बुलवाया गया था। और इस बैठक में हम लोगों ने डिटेल में जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें जो उसका संक्रमण बढ़ रहा है उसको उसके दृष्टिगत में उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जैसा कि आप भी जान रहे हो कि कल जो संडे के दिन जो था संडे को 298 लोग जो थे वो उनकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसमें से कि 256 लोग शहर के थे और 42 लोग ग्रामीण के थे। इस प्रकार जनपद में जो सक्रिय लोग 2686 में से 2293 लोग जो हैं सिटी में एक्टिव पाए गए। कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी तुलना में जो शहरी क्षेत्र में संक्रमण की जो दर है वो 6-7 गुनी ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि आज भी जो सूचना प्राप्त हुई है 250 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं तो संक्रमण की दर लगातार जो बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए मोहल्ला निगरानी समिति के सभी सदस्यों को जो एक विशेष पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगाए गए हैं उनकी सभी जोनल ऑफिसर्स सभी जो हमारे जोनल सैनिटरी जो ऑफिसर्स हैं उन सब की बैठक बुलाकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए किस प्रकार से उनको वार्ड में जाकर सैनिटाइज करना है किस प्रकार से चूना और मलथियान के जो घोल का छिड़काव करना है किस प्रकार से फॉगिंग करानी है कितने हम लोगों ने वाहन लगाए हैं और सबके बारे में उनको डिटेल में दिशा निर्देश गए। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रत्येक जोन में एक एक स्पेशल QRT की टीम भी बनाई है सैनिटाइज करने के लिए कहीं से कोई भी ऐसी जैसे कुछ जगहों से खबर आई है कि जैसे सिविल लाइन्स एरिया में भी 25 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी प्रकार बसारतपुर में तो जहाँ जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको एक मतलब कि एक जोन के रूप में बनाते हुए उसके ऊपर कड़ी सघन मतलब कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इन्हीं सभी बातों को लेकर बैठक ली गई। इसके साथ साथ जो है जो कल अपर मुख्य सचिव साहब ने निर्देश दिए थे कि जो हमको शेल्टर होम कोई सफा मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में शेल्टर होम में जो बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं कि वो कुछ शेल्टर होम में जाते हैं जो कि रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के आसपास हैं पूरे भर चुके रहते हैं तो और भी हमारे पास जो शेल्टर होम है उसकी जानकारी देने के लिए हम पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगवा रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवा रहे हैं जिसमें कि शेल्टर होम का एड्रेस वहाँ के प्रबंधक का जो मोबाइल नंबर सब लिखा रहेगा जिससे कि वो पता कर सकते हैं कि उसमें जगह है कि नहीं और उसकी लोकेशन क्या है जिससे कि वो वहाँ जाकर वो अपना रात्रि गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग शहर में 161 जगहों पर जो है हमारा अलाव जलवा रहे हैं लेकिन ये भी कहा गया कि सभी सुपरवाइजर्स अगर आपको लगता है कहीं ऐसी बस्ती हैं जहाँ पर कि अलाव की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर भी हमसे कहा गया है कि उनसे कहा गया कि उस जगहों को चिन्हित करें उसकी सूचना दें जिससे कि हम वहाँ पर भी अलाव जलवा सकें। इसके साथ साथ जो है कि मतलब विशेष सफाई अभियान के लिए कि विशेष जहाँ जहाँ इस प्रकार का संक्रमित क्षेत्र पाया जा रहा है वहाँ विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और विशेष सफाई अभियान के साथ जो उनको वहाँ से जो कूड़ा निकल रहा है जो एक जैसे कह लीजिए कि लेगेसी वेस्ट आ रहा है गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है हाई स्पॉट हॉट स्पॉट है वहाँ से जो कूड़ा निकल रहा है उसको कैसे हमको ट्रांसफ़र करना है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ कैसे पहुँचेगा इन सब के बारे में इनको डिटेल में बताया गया। जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाए उनको भी निर्देश दिया गया। बिल्कुल इसके साथ साथ ये देखा गया कि सारे सुपरवाइजर्स ने पहली और दूसरी डोज लगवा लिया है लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने सबने पहली डोज लग गई लेकिन कुछ अभी जो है मतलब 5% करीब ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है तो ये कहा गया है कि 3 दिन के भीतर वो लोग उनको दूसरी डोज लगवा दें। इसके साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं जो कि वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज भी लगवाने के लिए कहा गया है और ये अभियान चलाने के संबंध में CMO साहब से वार्ता हुई है। अभी नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है जिसमें काफ़ी भीड़ हो रही है। हम लोग उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं कि नगर निगम परिसर में ही एक वैक्सीनेशन कैंप और लगा दे जो कि मतलब जिसमें खास तौर से जो नगर निगम कर्मी हैं वो जाकर वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा सकें। तो निश्चित रूप से इस पूरा जो बैठक का जो मूल बिंदु था ये कोरोना की जो तीसरी लहर से इस जो संक्रमण की बढ़ती हुई दर को कैसे रोका जाए और कैसे आम जनमानस को संक्रमित होने से बचाया जाए इस पे पूरा फोकस रहा।